आज का विषय है डायबिटीज में क्या खाएं और क्या न खाएं, यानी कि मधुमेह के पथ्य और अपथ्य। डायबिटीज होने के बाद में आदमी सोच में पड़ जाता है कि मैं क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। हमारे पास पेशेंट आते हैं कि जी हमें लिख कर दे दो, तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, इसलिए हमने इसके लिए एक वीडियो बना दी कि जिसको ज़रूरत है वो उस वीडियो को देखता रहे, बीच में जब भी ज़रूरत पड़े उसको फिर दोबारा आगे पीछे करके वीडियो को देख लें। मैं डॉक्टर रविंद्र बुढ़ान आज मधुमेह में आयुर्वेद के हिसाब से आप क्या खाएं और क्या ना खाएं। साग और सब्जियों में मैं एक एक सब्जी का नाम ले लूँगा, आप उसको ध्यान से देख लें। पत्ता गोभी या फूल गोभी, टमाटर, मटर, सरसों, चौलाई, हरा चना, प्याज, ककड़ी, सेम और सहजना, लहसुन, करेला, ककोड़ा, लसोड़ा और पालक, शलगम, कच्चा केला, परवल, तोरई, घिया, कच्चा पपीता, ये आप सब्जी में ले सकते हैं। चाय अगर आपने पीनी है तो फीकी पिए या शुगर फ्री डाल करके उसमें आप लें। फिर पनीर खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, लेकिन वो आधा किलो से, पूरे दिन में आधा किलो से ज़्यादा नहीं हो। अंडा और मीट मछली खाने वाले मछली खा सकते हैं। फलों में संतरा, जामुन, सेब, नाशपाती और नींबू। अनाज में आप अनाज को मिक्स करके ही खाएं। पुराना गेहूं, जौ, चना, ये सब मिला करके आप अपना आटा तैयार रखें और उसकी ही रोटी खाएं। दालों में मूंग, मसूर और अरहर। मधुमेही व्यक्ति यानी कि डायबिटिक व्यक्ति शहद खा सकते हैं, वो शहद इनके लिए कोई नुकसान नहीं करता। लोग भ्रम में रहते हैं कि शहद मीठा है, ये शुगर बढ़ा देगा। अगर असली शहद है तो उससे शुगर नहीं बढ़ती। आपको अगर कोई चीनी का बना हुआ शहद मिल गया तो भले ही उससे आपकी शुगर बढ़ सकती है। व्यायाम करें और घूमें। मधुमेह के लिए, डायबिटीज वालों के लिए सबसे बड़ा ट्रीटमेंट उनका पैदल चलना है। जितना पैदल चल लेंगे उतना ही जल्दी ठीक हो जाएंगे और अच्छी ज़िंदगी जिएंगे। शरीर को ज़्यादा आरामदायक आराम में मत रखें। अब हम बताते हैं आपको शुगर वालों को क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अधिक चीनी वाले पदार्थ जैसे गन्ना, चीनी, चावल, शकरकंद, चकुंदर, गाजर, पका हुआ केला, अंगूर और सूखे मेवे, तला और भुना बासी भोजन ना करें। बार बार किसी भोजन को गर्म करके मत खाएं। लगातार एक ही चीज़ को कई दिन तक का लगातार ना खाएं। बहुत अधिक आप आराम ना करें। अपने शरीर पर कुछ व्यायाम करें, ताकत की चीज़ें खाएं। शीतल चीज़ें और चीनी अधिक भोजन करना ये आपके लिए
बंद है, आपके लिए नुकसानदायक है, ये कफ दोष बढ़ाती है और उससे आपका शुगर और बढ़ जाता है। चिंता ना करें, चिंता करने से भी आपका शुगर पर अंतर पड़ेगा। शुगर आपके आराम के कारण आपको अधिक परेशान करती है। अगर आप पहली हिस्ट्री देखें कि ये राजाओं महाराजों से भी उन्होंने पैदल चलने की यात्रा का विधान बनाया है, तो आप पैदल चलें और कुछ रूखा सूखा भोजन करें और जो हमने बताया वो छोड़ दें और जो बताया है वो खाएं। धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय गुरुदेव।